हेलो, कैसे हैं? कल की बाजार कैसी होगी? जो न्यूज फ्लो आ रहे हैं अभी तक, वो न्यूज फ्लो सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आज की तरह कल यानी मंगलवार 12 मार्च 2024 को भी मार्केट डाउन होगी और अच्छी डाउन होगी। हो सकता है आज से भी ज़्यादा डाउन हो, क्योंकि देखिए कल माननीय सर्वोच्च अदालत ने SBI की याचिका जो थी वो खारिज कर दी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 30 जून तक का समय चाहिए था, लेकिन माननीय सर्वोच्च अदालत ने ऐसा बोल दिया कि इसको एक दिन में ही आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दें। मतलब कल उसको ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है माननीय सर्वोच्च अदालत को, और इसके बाद 15 तारीख तक ये सभी इन्फॉर्मेशन, कॉरपोरेट बॉन्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, चुनाव आयोग के वेबसाइट में अपलोड हो जाएगी। यानि हर बंदा ये जान पाएगा कि किसने, किस कॉरपोरेट ने किस पार्टी को कितने रुपये दिए थे, और ऐसा माना जाता है कि टोटल जो ये अमाउंट है उसके करीब 55% का चंदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। तो ये सब बातें जो है वो बाजार को असर कर रही है और करती रहेगी। और आज जो मुद्दा आया है, फिर एक न्यूज़ फ्लो आया है, वो इससे भी पेचीदा है। आप जानते हैं कि इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट अभी कुछ ही घंटों में करने की बात है, लेकिन भारत के चूंटनी पंच में अभी एक ही बंदा बचा है जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी है। वो एक ही निर्वाचन आयोग में अभी है। 1 फरवरी में गए और दूसरे मिस्टर अरुण गोयल, उसने अभी इस्तीफा दे दिया अचानक। और अभी जो नए 2 अधिकारियों की नियुक्ति करनी है उसमें भी कानूनी पेच लग रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की नियुक्ति की जो के लिए जो चयन समिति है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे, लेकिन वो तब तक होंगे जब तक सरकार ने इसके लिए कोई कानून न बनाया हो। वो कानून भी बना दिया और उस कानून के अंतर्गत सरकार ने माननीय सर्वोच्च अदालत के न्यायमूर्ति का को डिलीट कर दिया उस कमेटी से। और अब उस कमेटी में क्या है, एक वड़ाप्रधान मोदी जी खुद, दूसरा इसका मंत्री और तीसरा सदस्य लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। तो ये 3 में से 2 तो स्वाभाविक रूप से सहमत हो जाएंगे। मतलब जो सरकार है वो अपने प्रिय अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन इसके सामने फिर आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है जिसमें ऐसी मांग की गई है कि चुनाव आयोग के सदस्यों की गठन के लिए जो समिति बनती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना जरूरी है। सरकार ने कानून बना के इस महत्व के मेंबर को डिलीट कर दिया है, वो नहीं चलता। तो अभी अब
सरकार जो ये नियुक्ति करना चाहती है शायद 15 तारीख के आसपास, उस पर रोक लगाओ। तो अगर ये रोक लगती है तो फिर ये नए इलेक्शन ऑफिसर्स के नियुक्ति में और कुछ दिन लग सकते हैं, मतलब इलेक्शन के शेड्यूल में भी थोड़ा डिले हो सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अभी नास्डेक भी माइनस में चल रहा है, डाउ जोन्स भी माइनस में चल रहा है, और गिफ्ट निफ्टी जो करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा माइनस में है। इसका मतलब ये है कि कल न्यूज़ फ्लो आते ही रहेंगे। हरियाणा में जैसे चौटाला सरकार ने फैसला किया कि वो लोकसभा का इलेक्शन खुद अपने दम पे लड़ेगी, उसने बीजेपी के साथ गठबंधन को समाप्त करने की बात कही है। तो ये जो ऐसे न्यूज़ आते ही रहेंगे जब तक मतदान ख़त्म नहीं होगा, तब तक ऐसे न्यूज़ आएंगे और ये मार्केट को ड्रैग डाउन कर देंगे। तो मैं आपको फिर से विनंती करता हूँ कि आप हलबली में कोई भी ट्रेड न ले, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही केयरफुल रहें, और अगर आपको जुआ खेलना है तो आप एक प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिरने वाला है। तो आप पुट बाय करके बैठ जाइए, हर एक्सपायरी में ये कर सकते हैं टिल द वोटिंग डे। मार्केट को देखते देखते जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट अभी थोड़ी सी बड़ी है, उस वक्त ऑन एवरी राइज आप एक पुट को सेल कर दीजिए, बस फिर बैठे रहिए। देखो अगर लगा तो चौका लगेगा, और नहीं तो आउट भी हो सकते हो। तो विद दिस माइंडसेट अगर आप ये खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, क्योंकि मार्केट तो गिरने वाली है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आप पुट पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे तो कुछ मुनाफा निकल सकेगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग तो नहीं करना है, क्योंकि मार्केट गिरने वाली ही है और बहुत गिरेगी। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में जैसे आज 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हुई, तो कल इसमें इतनी ही गिरावट हो सकती है, निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट होगी, और सेंसेक्स में तो कड़ाका भूल जाएगा। तो इस परिस्थिति हम जानते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो अपेक्षित है उसके आधार पे, तो इसका लाभ लेने के लिए आप पुट पर फोकस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के पुट और निफ्टी के पुट एक प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस का, इसी एक्सपायरी का, मतलब 13 तारीख को है एक्सपायरी, 13 तारीख की एक्सपायरी का पुट आप देखिए, उसमें दाव लगाएं, बेनिफिट अवश्य होगा। और अभी पूरा माहौल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, बीजेपी की जो सीट का प्रोजेक्शन है 370 या 400 वाला, उस प्रोजेक्शन पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क अब लग रहे हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब क्या होगा। हालांकि मैं तो ऐसा आज भी मानता हूं कि मोदी जी की ही सरकार बनेगी, लेकिन इससे पहले ये जो पैनिक बटन वाले लोग हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और मतदान की तारीख तक हर रोज एक पैनिक बटन बाहर निकलेगा और वो शेयर बाजार को ध्वंस की कर जाएगा। या तो कोई अगर तेजी हुई होगी तो फिर से बाजार गिरावट पकड़ लेगा। तो आप सब केयरफुल रहिए, और मार्केट को देखते देखते ही ट्रेड ले,
मार्केट बहुत मंदी में जा रहा है ऐसा लग रहा है, और वो जब तेजी की करवट लेगा तो मैं आपको एडवांस में बताऊंगा कि अब शायद ये तेजी की करवट बंद लेगा, लेकिन फिलहाल तो हमें बस संभल के रहना है, कोई ग्रीड में नहीं आना है, बस मार्केट में अच्छे जो स्टॉक है उसको कलेक्ट करना है, इसको एक्युमुलेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं।